और ये ट्रेनिंग के लिए हो गई एंट्री। चल रहे अपने रूम में। किधर है भाई रूम? किसी में। और ये रहा पूरा हॉल। ये रहा ट्रेनिंग का हॉल। नहीं उन्हें इधर दूसरे बैच वाले हैं का? अरे ढेर पीछे हो जाए। आगे बाबू कहाँ खाली है? दूठो आगे, दूठो आगे कहाँ खाली है? दूठो हमारा नहीं ले रहा है। अरे खूब भाई वायरल जो भाई मम्मी बानी हो इन्हें सब पेश नहीं किया। और ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये बड़ा सा जो हॉल है, सभागार है। तो ट्रेनिंग का मतलब जो पहला प्रोसेस है, इसमें आने के बाद जैसे सबका ऑथेंटिकेशन होगा, फिंगर लगेगा, उनका आधार कार्ड लगेगा और जो टोकन मिला है उसके पीछे उनका नंबर लिखा हुआ है। तो टोकन लगेगा और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि आगे अधिकारी लोग बैठे हैं आपका ऑथेंटिकेशन करने के लिए, अंगूठा लगवाने के लिए। तो इसमें जब सबका एक एक करके अंगूठा लग जाएगा, जिस स्टेट के जो लोग हैं उस हिसाब से, फिर अंगूठा लगने के बाद आगे की जो कार्रवाई होगी, प्रोसेस होगी, वो चालू होगी। तो अभी सब लोग आके इसी में बैठे हुए हैं अंगूठा लगाने के लिए। फिर अंगूठा लगाने के बाद जो होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल में अभी इसी में है। इसमें ये है दोस्त कि बाहर से इसमें बढ़िया है, इसमें एसी है, पंखा है, मतलब व्यवस्था एकदम, अंदर व्यवस्था एकदम मस्त है। टाइल्स लगा हुआ, कुर्सी है, कुर्सी पे जितने लोग बैठे हैं उतने लोग बैठ गए हैं। उसके बाद से काफ़ी लोग अभी बसे हुए हैं जो कि नीचे बैठे हुए हैं। सब लोग अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी कुछ लोगों का ऑथेंटिकेशन हो गया है, अंगूठा लग गया है। अभी सर लोग गए हैं बाहर किसी काम से, फिर से आएंगे, उसके बाद से फिर से ऑथेंटिकेशन चालू होगा। और आपको बता दें इसमें कि दो बार इसमें अंगूठा लगना है, एक बार सुबह में लगेगा अटेंडेंस के लिए और एक बार फिर से शाम को लगेगा। दो समय अंगूठा लगेगा, दोनों समय अटेंडेंस आपका होगा। आपको सुबह से शाम तक इनमें उपस्थित रहना ही रहना है आपको। ये नहीं कि आप कहीं चले जाएँ, एक समय अंगूठा लगा के चले जाएँ तो आप अनुपस्थित हो जाएंगे। उस केस में अब पता नहीं क्या होगा, वो सर बताएंगे कि मतलब ट्रेनिंग में आप अनुपस्थित रहें तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, इसके बारे में नहीं बता सकते। फिलहाल में यही है कि आपको दोनों समय सुबह और शाम अंगूठा लगाने के लिए रहना है, तभी आपका ऑथेंटिकेशन वेरीफाई होगा। और ये जैसे कि देख रहे हैं, सुबह में काफ़ी लेट से अंगूठा लगा था, 11:30-12 बज गया था, पहला दिन था इसके लिए, आज पहला दिन है। तो शाम को काफ़ी लेट हो गया था, तो इसके लिए हम बैठे थे, सबका फिंगर लगा रहे थे, क्योंकि फिंगर नहीं लगेगा तो एग्जिट नहीं होंगे लोग, उसके बाद से दिक्कत हो जाएगा। तो हम बैठे हुए थे सबका बारी बारी से, अपने अपने सब लोग लाइन में अपने अपने बैठे हुए थे, तो सबका बारी बारी से हम अंगूठा लगा रहे हैं। अंगूठा सबका लग जाएगा, उसके बाद से सब लोग सो जाएंगे। जिनका अंगूठा लगे आप देख सकते हैं, वो लोग अपना अपना बिस्तर कर लिए सोने के लिए, खाना वाना खा के आ गए हैं सब। बाकी जिनका अंगूठा अभी नहीं लगा है, वो सभी लोग अपने अपने अंगूठा लगाने का इंतज़ार कर रहे हैं। सबका अंगूठा लग जाएगा, उसके बाद से सब लोग अपना खाएंगे और सो जाएंगे। यही प्रोसेस है ट्रेनिंग में पहले दिन का। पहले दिन थोड़ा समय लग रहा है सबका डाटा कलेक्ट करके, उसके बाद से बायोमेट्रिक खोल हो रहा है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। दूसरे दिन से समय नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ अंगूठा लगाना है, सुबह को आपका अटेंडेंस चालू हो जाएगा और उसके बाद से फिर से शाम को अंगूठा लगेगा, बस दो समय अंगूठा लगेगा। बाकी आप लोगों को बता दें कि पहले दिन तो खैर इसी में चला गया, दूसरे दिन से आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, आप जिस ट्रेड में हैं, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई किए हैं, उस ट्रेड के बारे में आपको एक टीचर आएंगे उस ट्रेड से संबंधित, और आपको सारा चीज़ बताएंगे कि कैसे क्या करना है, टूल्स का नाम बताएंगे, उसके बारे में पूछेंगे और बताएंगे। और उसके बाद से मान के चलिए कि उस ट्रेड से संबंधित जो भी बात होगा आप लोगों को बताया जाएगा। और यहाँ पे सारा सामान ITI में उपलब्ध है, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल करके उसके बाद से दिखाया जाएगा। तो यही प्रोसेस है
इस समय। बाकी देखिए सर जी शाम को समझा रहे हैं सबका एप्लीकेशन हो गया है, कल कैसे क्या करना है उस बारे में सबको बता रहे हैं, और फिर से